इम्पोर्टेंट कमेटीज, तो बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कमेटी जो संविधान सभा बनाने में थी। सबसे पहले यूनियन पावर और स्टेट कमेटी, जिसके चेयरपर्सन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद में यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, मतलब वही उसके चेयरपर्सन भी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविंशियल कमेटी की बात करें तो इनके चेयरपर्सन सरदार पटेल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, जैसे कि मैंने बताया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। एडवाइजरी कमेटी के ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी, ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरिया के जो चेयरपर्सन थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। रूल एंड प्रोसीजर जो था, उसके जो कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ ही वो स्टीयरिंग कमेटी को भी देखते थे। उसके बाद कुछ माइनर कमेटी थी, जिनमें से एक प्रमुख है फाइनेंस स्टाफ कमेटी, जिनका प्रेजेंटेशन, जिनके चेयरपर्सन राजेंद्र प्रसाद थे। और फंक्शन ऑफ कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरपर्सन थे जी वी मावलंकर।